टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पदक जीतने के बाद टीम के खिलाड़ियों पर सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रहे एमपी के दो खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर एमपी के इटारसी के गांव चांदोन के निवासी हैं। वहीं भारतीय टीम के एक और खिलाड़ी नीलकांता शर्मा ने मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी से ट्रेनिंग ली है। आज पूरा देश गर्व से भरा है। भारतीय हॉकी टीम पुरुष ने कांस्य पदक जीता है। ये केवल कांस्य पदक नहीं है, भारतीय हॉकी का पुनर्जागरण है। 41 साल के बाद भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है, दुनिया की श्रेष्ठ टीमों को हराया। न्यूजीलैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, सबको धूल चटाई है। और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय और है, हमारे इटारसी के लाल विवेक सागर इस टीम का हिस्सा थे, उन्होंने गोल भी किया था। नीलकांता मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से ट्रेनिंग प्राप्त करके गए थे। वैसे तो पूरी टीम पे हमें गर्व है, लेकिन विवेक सागर और नीलकांता जी को 1-1 करोड़ रुपए का सम्मान निधि के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय हॉकी टीम का भी हम शानदार स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे।